इज द फर्स्ट थिंग आई गॉट फ्रॉम एचन एम दिस इज बेसिकली अ ट्वेल शर्ट इट्स ए रिलैक्सड वि शर्ट अब जिनको नहीं पता है मैं ये बता दूं ट्वेल्स शर्ट इज नॉट लाइक शर्ट का स्टाइल है ट्वेल्ल इज बेसिकली फैब्रिक थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है इट्स ए वेरी कंटेम्प्ररी या बहुत ही कोजी बहुत ही कंफर्टेटेबल और थोड़ा सा थिक फैब्रिक है थिक होने के बावजूद भी काफी एयरी है तो आपको इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली नाउ द बेस्ट थिंग इज क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है सो इफ यू आर समन हुए स्न एंड हु आप इसके साथ इसके अंदर पहनू में एक वाइट टी शर्ट एन गुड

ट आई वॉज लुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई मेड श्योर की अगर also, आप इसको है, और का तो आप जानते ही हो ट्रेंड चली रहा है सो गेट योर हैंड ऑन दिस शर्ट इसके और भी पैटर्न अवेलेबल है आप तो आपके उनको भी परचेस और ट्राई कर सकते हो अब जो अगली आइटम है वो भी एक शर्ट ही है लेकिन इसका फेब्रिक और प्रिंट काफी डिफरेंट है पहले

शर्ट मेक श्योर की आप अपने यूजल साइज से एक साइज छोटा ही लॉन्ग सो अगर आप चांसेस है हम बात कर लेवर शर्ट के बारे में लिटरली मेरे पास कोई भी ओवर शर्ट नहीं थी अभी तक एंड आई गॉट माई हैंड ऑन दिस वन दिस इज सो फार बेस्ट परचेज आई है थिक इट्स वेरी जन पे पहन चुका हूं एंड इट लुकड फैब्रस एट इच एंड एवरी ओकेजन ठीक है भले इसका फेब्रिक है पॉलिस्टर लेकिन वेन यू वेयर इट इट फील्स लाइक वुलन और इतना वॉर्म है कि आई रिमेबर आई वोजन टू डेज बैक एंड काफी ठंड थी रात में मैंने उन्हें जस्ट पहनी एक वाइट टी शर्ट और मैंने उसके ऊपर पहन लिया इसे एंड आई फेल्ट सो वार्म सो कोजी एंड सो कंफर्टेबल कि मैं क्या ही बताऊं अगेन वेरी कंटेम्प्रेरी लुक वेरी कैजुअल लुक नेवी ब्लू है आप इसको प्रेफरेबली पहनो इफ यू हैव वाइट पैंट्स या कोई भी लाइट कलर पैंट्स के साथ लाइक लाइट ब्लू जीन्स लाइट ब्लू पैंट्स हो गई चीनोज हो गई राइट कार्गोज हो गए अब मैंने इसको पहना है वाइट बेज पैंट्स के साथ विद वाइट टी शर्ट इन साइड एंड आई थिंक आई लुक गुड मैं आपको एक टिप दे इफ़ यू वॉन्ट टू एलिवेट योर स्टाइल शर्ट्स के साथ आप मेक श्यार sure करो कि आप शर्ट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी फिट की वाइट टी शर्ट पहनो राउंड नेक वाइट टी शर्ट पहनो और शर्ट को अच्छे से बटन अप करो एंड यू विल फील द डिफरेंस इन योर आउटफिट ठीक है अगर आप ये करते हो इट विल

इसका एम है एक्चुअली आठ हजार लेकिन मुझे ये सेल पे पड़ा पैंतीस सौ के करीब का आई थिंक इट गुड डील आई हैव है ओवर कोट्स और सच जैकेट्स फ्रॉम एच एन एम बिफोर बिकॉज मैं काफी वरिद्ध था उसकी क्वालिटी के बारे में बट आई कैन से द क्वालिटी इज प्रेटी मच वर्थ वर्थेड मैं बता दू कि ये आइटम फुल प्राइस पे लेने के लायक नहीं है बिकॉज द डिजाइन इज वेरी सिंपल आपको ये कहीं भी मिल जाएगा लेकिन इसका तो यूएसपी है वो ये है कि एक तो ये है का कोट का कोट का मतलब दीज कोट्स यूजअली वन यू बटन इट अप द बटन विल गेट हिडन इन साइड द फ्लॉप ठीक है दूसरी बात कार कोट्स जनरली वेरी

items I got from the H&M sale this season on a budget I would say because her item का जो MRP है वो काफी ज़्यादा है and I got pretty good deals on sale so I would say अगर आप H&M पे कभी heavy purchase करना चाहते हो I mean अगर आप चाहते हो कि आप पांच items एक साथ उठाओ then always wait for end of season sale जो so कि preferably होती है December और January में and June July या August के around wait for those sales and you will get a bang for your buck because आप ज़्यादा purchase कर पाओगे और आप कम pay करोगे as compared to what you will generally pay when you shop from H&M so I hope कि आपके वीडियो काफी सही